अगर आपको कुछ स्पाइसी एंड चटपटा खाने का मन करे तो आप मेरी आज की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर 65। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं पनीर 65 बनाना। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में ले लिया है पनीर, ये है 250 ग्राम पनीर और इसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है बाइट साइज़ की। आप अपने पसंद के टुकड़ों में इसको कट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे सॉल्ट स्वाद के अनुसार, उसके बाद इसमें जाएगा कश्मीरी चिली पाउडर। आप बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं तो नॉर्मल चिली भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून के जितना हल्दी के पाउडर और ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया के पाउडर, 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक की पेस्ट, तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे राइस फ्लावर, तो 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर चावल का आटा ऐड कर दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, मैंने 1/2 लेमन यहाँ पर ऐड कर दिया है, 1/2 लेमन की जूस। अब इन सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा करी लीव्स, तो ये देखिए ये फ्रेश करी लीव्स है, इसको मैंने चॉप करके ऐड कर रही हूँ सो दैट इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया की पत्ता, तो मैंने खूब सारी धनिया की पत्ती यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसमें फ्रेशनेस आती है, फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना दही, ये फ्रेश दही है, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है इसके साथ ही, सो दैट अच्छा से ये सारे मसाला जो है पनीर के साथ अच्छा से चिपक जाए। ये देखिए सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छा से एक बारी मिक्स कर देंगे और इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। 15 मिनट यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ इस तरह एक एक पीसेस लेंगे और हम यहाँ पर ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। मेरा ऑयल यहाँ पर है मीडियम हाई और पनीर के पीसेस जैसे ही हम सारे यहाँ पर ऐड कर देंगे उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे हाई और इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक। पनीर को आप कभी भी लो फ्लेम में फ्राई मत कीजिएगा, उसको फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसका ऊपर का ये जो कोटिंग है ये क्रिस्पी हो जाएगा, बस हम तब तक इसको फ्राई करेंगे। पनीर को बहुत देर तक फ्राई करने से उस च्यूवी हो जाता है, उसमें बिल्कुल ही अच्छा स्वाद नहीं आता है, तो बस हम ऊपर से इसका जो लेयर है वो क्रिस्पी हो जाए उतना हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद ये सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पनीर अच्छा कलर ले लिया है, तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेनर पे इसको निकाल रही हूँ सो दैट इसका जो क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहे। ये देखिए तो सारे पनीर के पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक फ्राइंग पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, जिस ऑयल में मैंने पनीर को फ्राई किया था उसी ऑयल को मैंने यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और इसमें सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून जितना सरसों और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ड्राई रेड चिली, थोड़ा सा ग्रीन चिली स्लिट किया हुआ, थोड़े से करी लीव्स और खूब सारा लहसुन, लहसुन को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है। और सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे कुछ 30-40 सेकेंड। देखिए सब कुछ अच्छा से फ्राई हो गया है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना रेड चिली सॉस, इसमें इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर दोनों आएगा। तो एक बार इसको झटपट से हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा पनीर को पीसेस को, इसको दे देंगे एक दो क्विक टॉस्ट। ये देखिए सारे सॉस जो है, जो हमारा गार्लिक थे, ये जो हमने करी लीव्स डाले थे, तो सब पनीर के पीसेस में अच्छे से मिक्स हो गया है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ते कटे हुए, ये देखिए, और बस तैयार है हमारा पनीर 65। ये बहुत डिलीशियस, बहुत स्पाइसी, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मानसून आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।